पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को ऑनलाइन सिंगल विंडो वेरिफिकेशन की शुरुआत कर सिटीजन चार्टर लागू कर दिया। सिटीजन चार्टर की समय सीमा में होंगे काम। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नहीं देना होगा सुविधा शुल्क। पासपोर्ट वेरिफिकेशन 15 दिन में, पुलिस वेरिफिकेशन 10 दिन में, चरित्र सत्यापन 10 दिन में, किराएदार सत्यापन 10 दिन में, कर्मचारी सत्यापन 10 दिन में, एनओसी की प्रक्रिया 5 दिन में पूरी होगी। पुलिस कमिश्नर ने किसी भी तरह के वेरिफिकेशन के लिए बीट पुलिसकर्मी द्वारा सुविधा शुल्क मांगने पर शिकायत के लिए पुलिस अधिकारियों के नंबर भी जारी किए हैं। जुए और सट्टे की शिकायत भी कॉल करके अथवा व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में जो विभिन्न प्रकार के वेरिफिकेशन को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एक व्यवस्था बनाया गया। सिटीजन चार्टर के रूप में हम लोग हमारे पास जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, किराएदार का सत्यापन और अन्य प्रकार के सत्यापन के जितने भी समय सीमा का निर्धारण किया गया आज से उसको लागू करेगा। उसके साथ साथ हम लोग FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम की कॉपी जो बाकी है उनको भी घर पे पहुंचाने की भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए IGRS पोर्टल पे जो भी एप्लीकेशन हमें प्राप्त होता है उनको 24 घंटे के अंतर्गत उनसे संपर्क साध के उनकी समस्या के निस्तारण के लिए देता है। इसके साथ साथ टूरिज्म में और ट्रैफिक में भी जनता के हित के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये सारी चीज हम लोग आज से लागू करते हैं। आगरा में जुआ और सत्ता के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है, जिसमें 5,000 से ज्यादा जुआ और सट्टा खेलने वाले थानों में आकर इन्होंने शपथ लिया है कि आगे ये लोग इस प्रकार के कार्रवाई इस प्रकार के उसमें सम्मिलित नहीं होंगे और जो लपके हैं वो लोग भी 600 से ऊपर लोग आके यहाँ शपथ लेंगे। टोटल वेरिफिकेशन की बात की जाए, पिछले साल हमारे करीब 70,000 के सत्यापन हम लोगों ने किया है कमिश्नरेट के तरफ से और इस साल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 70,000 से ऊपर ही ये वेरिफिकेशन का है। जनता को यूपी कॉप के ऐप के माध्यम से जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उससे हम लोग जनता से अपील करते हैं कि सब लोग यूपी कॉप के ऐप को यूज करें और हम तक पहुँच सकते। थैंक यू सो मच। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।